Ama ne marif ne yiğidim. Ne kaş oladı ne ne sallandım. Çiğ kadın adam. Cima kira hirçe patlı kapa. Kaş kira hirçe bir bin pa. Kurani roda yeşe diçken ki matam. Sırna ravi rirta çakır. Kari kari beni çe kurata ilde ta. Cima ben huzdar dir ve dalata rum kare. Kani amat paar. Badal khuar. Çuna desni thadi da inkesan. No te inamas mere kan to te fashava kare shayad gawaat an gawas maro baba. Ve ilmi evini tar kavi ve kavni. Baba ve varisi ve. Tatte dir rum kan ne ya şakça. Bismillahirrahmanirrahim. Kaha tarvar kani çarra rakani baba. La pate. Kasari sabha. Kas balo appa. Jo High Court Islamabad ki tawassul se bana tha. Wo yahan par pahunch chuke hain. Aur यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में माँ बहने बुजुर्ग भाई जो अपने लापता अफराद के तस्वीर लिए इस कमीशन के सामने तशरीफ फरमा है। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों को पिंडाल की तरफ लेके जाएं। हम बाकायदे इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इस शॉर्ट टाइम में हमको 25 नवंबर 2014 नुश्की में मेरे वालिद की दुकान से जिद्दी तौर पर गुमशुदा किया गया है। आज मेरे भाई को 8 साल हो गए लेकिन मेरे भाई के हवाले से हमें कोई भी मालूम हासिल नहीं हुई है। 3 साल पहले कबल मेरी वालदा सरदार रक्त मेगल से मुलाकात उनकी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने मेरे अम्मी को तसली दी थी और मेरे मरहूम दादा अजी गुलाम हैदर साहब जो बीएनपी के अहम रुकन थे उन्होंने भी मेरे भाई के हवाले से उनसे बात की थी लेकिन आज तक मेरे भाई के खैरियत के हवाले से हमें कोई भी मालूमात नहीं हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी है। आज हम अपनी नहीं सुनने आए, आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं कि हम हकायक को आप लोगों से अखज करके क्योंकि मुख्तलिफ आप लोगों के एहतजाजात भी हुए हैं। आप लोगों ने क्वेटे से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च किए। कई सालों से आपका यहाँ पर भूखहड़ताल वाली कैंप भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किए लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक जो कमीशन है वो भी इतना बाख्तियार है। लेकिन जो जिम्मेदारी हमें सौंपी दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हम हकायक को आपसे सुने, उन हकायक को रिकॉर्ड कर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करें। वक्त हमारे पास क्योंकि हमें 2 महीने का वक्त मिला था, उस 2 महीने में हमने तकरीबन 1 महीना जो गुजरा हुआ इसमें 7 मीटिंगें की हैं। आज हमारे अराकीन जो हैं कमीशन के वो क्वेटा पहुंचे हैं। क्वेटा पहुंचने से सबसे पहले हमने ये समझा और ये हम समझते हैं कि आपके इस कैंप में आने के बगैर हमारा शायद ये जो मिशन जो है जो जिम्मेदारी दी गई है वो बेमकसद होगा। तो इसलिए आज हम आपके साथ आए। कल हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारे इस कमीशन के अराकीन की मुलाकात होगी। तो बिला खौफ बिला झिझक जो कुछ भी आप लोगों के ने देखा है या आप लोगों पर बीती है वो तो हमें तो पता है लेकिन हम उसको इस कमीशन के उस रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। तो हमारे कमेटी के जो अराकीन है अफरत साहब खटक साहब हैं, नासिर खोसू साहब हैं और बाकी कुछ अराकीन हमारे जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके उनकी अपनी मजबूर डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पर, वो भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। तो जो भी आप लोगों ने खुद देखा हुआ है आज मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग जो है 12-12 साल से अपने प्यारों के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो जो भी आपकी हकायक हैं उनसे हमें आगाह करें। जितना भी वक्त लगता है आप हम आज यहाँ पर आए आप लोगों को सुनने के लिए और वो जो आप लोग हमें सुनाएंगे उनको हम एक दस्तावेज़ के तौर पर बना के हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करें।